वाली लंबी है, ये वाली है, ये वाली, बट ये एक इल्यूजन है, दिखने में आपको ये वाली लंबी लग रही है, बट ये दोनों इक्वल है, दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये ऑलमोस्ट इसके बराबर आई, ये लग रहा है सिर्फ इसके अंदर ही सर्कल मूव कर रहा है, ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा घूम क्या रहा है। मेरे हिसाब से साइड वाली बॉल घूम रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मेरा नाम है सैफ अली और आप सभी का वेलकम है सैफ अली द व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस क्यों आया हूँ? तो एक बहुत सी बढ़िया सी जगह आया हूँ। तो अगर आप कनॉट प्लेस आए हो और आपको अगर एक जगह नहीं मालूम, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। तो क्या है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन? सुना है मैंने इसके बारे में कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वही आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, क्या टिकट प्राइस है, क्या टाइमिंग है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन के लिए जो नियर मेट्रो स्टेशन है वो है राजीव चौक गेट नंबर 8। ये म्यूजियम के जस्ट सामने है। म्यूजियम के सामने पार्किंग की भी फैसिलिटी है। बाइक या स्कूटी के जो चार्जेस है वो 10 रुपीज़ पर आर है। अगर आप चाहो तो इसे बर्थडे पार्टी या किटी पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलो अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन और आपको यहां पर किस तरह के इल्यूजन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टिकट काउंटर और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टिकट प्राइस का कुछ समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप चाहते हो आपको सस्ते में टिकट मिले तो आपको यहाँ पर 12 बजे से पहले आना है। ऐसा इनका कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो 12 बजे का अगर स्लॉट लेते हो तो आपको टिकट पड़ेगी 500, अदरवाइज 12 बजे के बाद के स्लॉट में आते हो तो आपको टिकट पड़ेगी 650 की। तो आपको आते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने टिकट बुक कर ली है, तो मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की है। तो अंदर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करने को या देखने को मिल सकती हैं। इन्होंने कुछ पोस्टर्स वॉल पे लगा रखे हैं जिससे आपको पता लगे, आइडिया लग सके कि अंदर आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो चलो अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, जब आप टिकट ले लेते हो तो आपको एक घंटा मिलता है पूरा म्यूजियम ऑफ इल्यूजन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरा सेशन है वो 12:30 बजे वाला है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं कैफेटेरिया में जा रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा खाने पीने को क्या है और फिर मजे करते हैं। तो अब मैं बाहर आ गया, अब आपको एक एक करके सारे इल्यूजन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हर इल्यूजन के साइड में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये इल्यूजन किस बारे में है और आपको इसमें किस तरह का इल्यूजन देखने को मिल सकता है। तो इस इल्यूजन में आपको लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी, बट एक्चुअल में ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। और इस इल्यूजन को आप थोड़ी देर के लिए देखोगे तो आपको इसमें सर्कल दिखेगा। इसका पैटर्न ही कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको कन्फ्यूज कर सके। पहले मैं थोड़ा समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ कि ये इल्यूजन किस बारे में, फिर आपको भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखो, आपको ये इसमें स्पाइरल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? वीडियो पॉज करके देखो, तब आपको सही से पता लगेगा। और कमेंट करके बताओ कि इसमें आपको स्पाइरल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। अरे ये तो काफ़ी मज़ेदार है भाई, आप इसको थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके देखो, ये आपको मूव करते हुए दिखाई देगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या मज़ेदार सी चीज़ है यहाँ पे और किस तरह के इल्यूजन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ऑटो को उल्टा लटका रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पिक क्लिक करने के बाद आपको किस तरीके का इल्यूजन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ की एक अच्छी बात लगी कि हर इल्यूजन के पास आपको एक वॉलेंटियर मिलेगा जो आपकी इल्यूजन के साथ एक अच्छी परफेक्ट पिक लेगा। चलो अब टिल्ट रूम में जाकर देखते हैं कि अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, सही में ये रूम काफ़ी ज़्यादा टिल्ट है, आपको चलने में प्रॉब्लम तक होगी जैसे कि मुझे हो रही है। टेढ़ा सा लग रहा है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है जैसे। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक जादू। क्या हो रहा है एक्चुअल में, रोलर घूम रहा है, बट जब हम इसको मूव कर रहे हैं ना, अब ये लग रहा है सिर्फ इसके अंदर ही सर्कल मूव कर रहा है। ऐसा मतलब एक्स्ट्रा इल्यूजन ये है कि एक्चुअल में ये पूरा रोलर घूम रहा है, बट देखने पर क्या लग रहा है, सिर्फ ये अंदर से सर्कल मूव हो रहा है। कुछ उसी तरीके से पूरा बॉक्स घूम रहा है, बट क्या लग रहा है, अंदर से पूरा बॉक्स घूम रहा है।
तो अब हम जा रहे हैं वर्टेक्स टनल के अंदर, चलो अंदर चलकर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम जाने वाले हैं। तो एंट्री ली भी नहीं चलता है। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे गिर जाएंगे। अब नहीं लग रहा है। अच्छा जब इसको देख रहे हैं तो इन लोगों ने ये पूरा ये घूम लिया है। तो वर्टेक्स में यही घूम रहा है, यही घूम रहा है। फ्रेंड्स इसका यूजन ये है कि जब मैं इसके अंदर हूँ तो मुझे लग रहा है ये पूरा जो रूम है ये मूव कर रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। और हमें वॉक करने में भी थोड़ा डर सा लग रहा है कि गिर ना जाए, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब ये मुझे ये फील हो रहा है कि पूरा ग्रिल घूम रहा है, बट ऐसा वो सही में घूम रहे थे। देख 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 एक बार को तो यू लग रहा जैसे पूरा ही ग्रिल घूम रहा हो। नहीं गिरा मैं, नहीं गिरा। तो अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा ये कमरा घूम रहा, और एक बार बार देख के लग रहा जिसपे हम खड़े थे वो भी मूव करो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डरने वाली बात नहीं है, यही है यहाँ का म्यूजियम ऑफ इल्यूजन और काफी मस्त जगह थी। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ ये दिखने में कौन सी लंबी है, ये वाली है ये वाली? बट ये एक इल्यूजन है, दिखने में आपको ये वाली लंबी लग रही होगी, बट ये दोनों इक्वल है। दिखाता हूँ कैसे, ये देखो ये ऑलमोस्ट इसके बराबर आई। ये दोनों एरो, ये दोनों लाइन ये क्या है आपस में इक्वल है, बट देखने में क्या लग रही है ये वाली। अब ये देखो ये कैसा यूजर है, कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है, ये वाला है ये वाला? हाँ बता भाई कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है, तो देखते हैं इक्वल है या बड़ा है। तो ये एंगल बी और ये देखने में दोनों ही मतलब देखने में छोटा ये बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में दोनों आपस में क्या है इक्वल है, मेजर करके भी देख सकते हैं। देख सकते हो इसमें सेम है, ये देखने में लग रहा है ये वाली लाइन ज़्यादा बड़ी है, ये वाली छोटी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो फ्रेंड्स ये है एम्स रूम जिसके अंदर आप इस तरह की इल्यूजन वाली फोटो क्लिक कर सकते हो। ये है मीटिंग हॉल, तो ये टनल की तरह लग रहा है जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो फ्रेंड्स ये एक मैजिक बॉक्स है, देखो इधर से देखोगे तो ये आपको क्या लग रहा है, पिरामिड या आप ट्रायंगल कह सकते हो, और ये देखो इधर से देखते ही ये एक क्या बन गया, क्यूब। वाओ, और एक बार और एक बार और, तो इधर से ये है ट्रायंगल बोलो या पिरामिड बोलो, और आप देखो इधर से आते आते इधर अभी तक भी ये क्या लग रहा है, ट्रायंगल लग रहा है। और ये देखो तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है मैजिक बॉक्स। तो फ्रेंड्स ये एक मोशन इल्यूज़न है, शायद आपने इसको पहले भी देख रखा होगा। तो आप थोड़ी देर तक इन सर्कल्स को देखोगे तो ये आपको मूव होते हुए दिखाई देंगे। फ्रेंड्स कमेंट करके बताओ आपको सर्कल मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक मोशन इल्यूज़न है, अगर आप थोड़ी देर तक इन बबल्स को देखते रहोगे तो ये बबल्स आपको मूव होते हुए दिखाई देंगे। आपको एक और इल्यूज़न दिखाता हूँ, देखो इन दोनों लाइन में कौन बड़ा, आपको लग रहा है नीचे वाला बड़ा पर एक्चुअल में ये इक्वल है। देखो
अभी तक स्क्रीन नहीं दिख रही। फ्रेंड्स इस पर्सन को देखो, ये आपकी तरफ देख रहा है या साइड में देख रहा है, तो ये भी एक इल्यूजन है कि आपको समझ में नहीं आएगा ये देख कहाँ रहा है, हमारी तरफ या दूसरी तरफ। म्यूजियम आपको लग रहा होगा ये एक ड्राइंग है या एक पिक्चर है, बट ये पिक्चर में अंदर की देर तक, और फिर आप इधर उधर देखोगे तो सब आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। वेरी गुड वेरी गुड, आपने जल्दी कवर किया, ठीक है। तो आपके हैं 15 सेकेंड्स, आपको देखते कितने सेकेंड्स लगते हैं। स्टार्ट। ब्लू टी शर्ट, आप जीत चुके आपके 20 सेकेंड्स कुछ हुए थे, 15 या 16 सेकेंड्स। नहीं पता, मुझे भी नहीं था, मैंने इनको यूं देखो बना दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।